नमस्कार, आज बात होगी सुरों के उस सरताज की जो सिर्फ सुरों के सरताज नहीं है, बल्कि जब जब उत्तराखंड किसी पीड़ा से गुजरता है तो उस सुरों के सरताज की तरफ एक उम्मीद की निगाहों से देखता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सुरों का सरताज सिर्फ अपने गीत के जरिए ना सिर्फ सत्ता को परिवर्तन करने की ताकत रखता है, बल्कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा चेहरा है जिसे सुनने को हर कोई बेताब रहता है, महसूस करने को, उन भावनाओं में बहने को जो अपने सुरों के जरिए वो सरताज हर बार लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लेते हैं। उत्तराखंड के वो चेहरे जो आज उत्तराखंड के सपूत बन गए, नेगीदा। सरकारी नौकरी के खेल पर नेगीदा का भी एक गाना आया है, नरेंद्र सिंह नेगी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद होंगे, कुछ ही देर में आपके सामने स्क्रीन पर होंगे, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। और उत्तराखंड की आवाज इन्हें माना जाता है, ना जाने ऐसे कितनी बार इन्होंने गीत गुनगुनाए जो जनहित और जनगीत बन गए। उत्तराखंड की पीड़ा, उत्तराखंड की पीड़ा आज क्या है? बेरोजगार युवा, सड़कों पर उतरे युवा, और नेता, नेता जो अपनों को नौकरी देते हैं। और नेगीदा ने उस वक्त भी गाना गाया था, एक 8 साल पहले। और आज मेरे साथ इस वक्त खुद लाइव जुड़ चुके हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगीदा प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार नेगीदा, कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सबसे पहले वक्त देने के लिए। नेगीदा, आज पहले भी अब भी हमने हमेशा आपके गीतों के जरिए एक संदेश को सुना है, और हमने उत्तराखंड को बदलते हुए देखा है आपके गीतों के माध्यम से। आज जिस पीड़ा से उत्तराखंड गुजर रहा है, मैं क्योंकि इतनी अच्छी गढ़वाली नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, अब से नहीं बहुत लंबे अरसे से। जब जब आपने गीत गुनगुनाए, हमने सुने, देखे, महसूस किए, उन भावनाओं को समझा, लेकिन आज क्योंकि मैं उस दौर का जिक्र करता हूं, और तब आपने उत्तराखंड आंदोलन के वक्त ऐसे गीत गाए जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो आपने नहीं लड़ी थी ना इस उत्तराखंड के लिए जो आज हम देख रहे हैं, कि नहीं नेगीदा? जी, ये हमारे उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता, लोग, समाज के लोग मुझे एक लोक कलाकार के रूप में जानते हैं और लोक कलाकार कहते हैं, तो ये हर लोक कलाकार का एक धर्म होता है लोक की चिंता करना और लोक के सुख दुख में शामिल होना। और लोक पे कहीं अगर विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उनके साथ खड़े रहना अपने कला के जरिए से। तो यही वही जिम्मेदारी मैं भी निभा रहा हूँ और पहले भी निभाता आया हूँ जी, और अब इस उम्र में अभी भी निभा रहा हूँ। नहीं नहीं, पूरे उत्तराखंड आपके साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, चाहे आपके गानों पर प्रतिबंध लगने तक की नौबत क्यों ना आई, लेकिन फिर भी पूरा उत्तराखंड आपके साथ था, है और रहेगा, हमें पूरा यकीन है। लेकिन नेगीदा, इस बार आपने कुछ एक नया गीत इस पूरे हालात पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा जो है सरकारी नौकरी के खेल से बेहद निराश हो चुके हैं, इस बार आपने कुछ नया गीत लेकर आए हैं? हाँ, इस बार थोड़ा कुछ घोटाले खुले हैं नौकरियों से संबंधित, और ये सारे जो बेरोजगार बच्चे हैं हमारे, वो परेशान हैं इस बात से कि क्या इस तरह से नौकरियां मिलेंगी, तो फिर इस उत्तराखंड में हमारी जगह कहाँ है। बिल्कुल, हम लोग इस उत्तराखंड में जो कि बड़ी लोगों, कई लोगों की शहादत के बाद मिला है, बड़े आंदोलनों के बाद मिला है, और अगर उसमें इस तरह के नौकरियों की इस तरह बंदरबांट होगी, तो फिर उन युवाओं के भविष्य का क्या होगा इस उत्तराखंड में। तो
तो ये चिंता सभी लोगों को है। मैं भी इससे बहुत दुखी हूं कि इस तरीके से जिस तरीके से नौकरियां दी गई हैं और जो कि आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, अब वो बड़ी चिंता का विषय है। और ये उत्तराखंड बनने के बाद ही हमारे राज्य में ये चलन शुरू हो गया था जी, कि अपने लोगों को प्राथमिकता देकर नौकरी देना, तो वो इस उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बात है। युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, एक समय ऐसा भी आएगा अगर यही चलता रहा तो ये उनका आक्रोश रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो सरकारों को चाहिए कि वो उस पे तत्काल प्रतिबंध लगाएं और उस पर ये देखें कि ये शुरुआत कैसे हुई, किसने, कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी हाथ है, क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का भी हाथ है, ये पनपते कैसे हैं, ये जो बीच के दलाल लोग होते हैं ये पनपते कैसे, कौन पनपाता है इन लोगों को, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि एसटीएफ ने बहुत से लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी जांच चल रही है, इस जांच के नतीजे क्या होते हैं उसके बाद ही पता लगेगा। निगिता, अगर क्योंकि आप हमेशा से संदेश देते हैं अपने गीतों के माध्यम से, तो मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हक से, एक हक होता है, एक फैन का हक होता है, पत्रकार हूं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक हक है एक फैन का, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं निगिता, अगर इस पूरे हालात पर, क्योंकि ये उत्तराखंड की पीड़ा है, मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप प्लीज गुनगुना दे दो लाइनें तो बहुत। मैं फैन बंद कर लूं जी, फैन बंद। हाँ, एक इन्हीं विषयों को लेके मैंने एक जनगीत लिखा है जो कि YouTube के माध्यम से आंदोलनकारियों तक पहुंच गया है, और वो इस गीत को बजा भी रहे हैं अपने आंदोलनों में, अपने धरने प्रदर्शनों में। दो पंक्तियां मैं आपको गा देता हूं जी। हम तो प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र मां, तुम जन सेवक राजा हो गया लोकतंत्र मां, हम तो प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र मां, तुम जन सेवक राजा हो गया लोकतंत्र मां, जनता सड़ क्यों मां भ्रष्टाचारियों से लड़नी और तुम, भ्रष्टाचार मसाझा हो गया लोकतंत्र मां, तुम जन सेवक राजा वे ज्ञान लोकतंत्र मां, फल फूल लु जब राज हमारो सब चैन से खाला, फल फूल लु जब राज हमारो सब चैन से खाला, फल लगनी तुम काचा खै गया लोकतंत्र मां, तुम जन सेवक राजा वे गया लोकतंत्र मां, तुम्हारे नन तिन परिजन छिन यख नौकरिया काबिल, तुम्हारे नन तिन परिजन छिन यख नौकरिया काबिल, हम बल काम न काजा रह गया लोकतंत्र मां, तुम जन सेवक राजा वे गया
लोकतंत्र मा तुम जन सेवक राजा वेग्या लोकतंत्र मा। क्या बात निगीदा, क्या बात, यही हम गुम हो जाते हैं आपकी आवाज सुनते हैं। तो एक आपका वो गीत मुझे आज हमेशा याद रहता है, क्योंकि गढ़वाली नहीं आती मुझे इतनी अच्छी निगीदा, और आप बोलते थे बुला का खजाना उत्तराखंड आंदोलन मा, तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मा, वो जी जी जी। वो ये वो सन 94 में जब आंदोलन चल रहा था राज्य का जी, तो जी, उस समय की रचना। और आपका एक वो गीत जो टिहरी को लेकर था, टीली डूबन लागड़ छे, हाँ टीली डैम पे, हाँ वो कि किस तरह एक सभ्यता, एक शहर को किस तरह से बर्बाद किया गया। हाँ, तो हमेशा तो उस पर भी एक गीत था, लोगों किस तरह उनके घरों से विस्थापित किया गया। हाँ, उस पर भी था, क्योंकि हमने वो गीत सिर्फ देखे महसूस किए हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं निगीदा। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो जो भावना आपके अंदर है कि भाई मैं लोकगीत के माध्यम से जो संदेश पूरे उत्तराखंड को जा सकता है, आपने हर बार वो प्रयास किया, जिस वजह से उत्तराखंड की आवाज है आप। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब आप इस तरह के गीत लिखते हैं, गुनगुनाते हैं और एक अलग से अलग जगाने की जो कोशिश करते हैं, तो वही मैं कह रहा हूं कि जब आपने जो उत्तराखंड आंदोलन के वक्त को याद करते हुए जब ये गीत लिखे थे, तब आपने सोचा था कि इस तरह के हालात उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेंगे, ना जल ना जंगल ना जमीन, हम कुछ बचा नहीं पा रहे हैं निगीदा, हकीकत तो ये भी है ना। और अपनों को सरकारी नौकरी में एडजस्ट करना, ये कितनी पीड़ादायक स्थिति है। हाँ, और फिर पीड़ादायक वो बयान भी है जो इन लोगों ने दिए हैं कि हमको अधिकार था जी ये करने का, तो ये मेरी समझ में, हम लोगों की समझ में ये नहीं आया, क्या वो अधिकार केवल अपने परिवार के परिजनों को के उपयोग करने के लिए दिया गया था, क्या वो सीमित अधिकार था कि केवल अपने परिजनों को ही आप रख सकते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ना ऐसी व्यवस्था होगी, लेकिन ये सुनने में आया है। और जहाँ तक आंदोलनों की बात है, तो आंदोलनों में हम लोगों का यही काम है, जिन की चर्चा आप कर रहे हैं, आंदोलन के गीत उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के जो गीत थे, वो मैंने नौकरी में रहते हुए ही रचे और गाए हैं। उस समय मैं सरकारी सेवा में भी था, लेकिन जो मुजफ्फरनगर में हुआ हमारे लोगों के साथ, हमारी माँ महिलाओं के साथ, वो आक्रोश यहाँ बच्चे बच्चे के अंदर था, और उसी से वो जनगीत निकले और उसी से वो हम लोगों ने गाए, और सामूहिक रूप से भी और एकल रूप से भी वो एक गीत गाए गए लोगों को। उत्तराखंड सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, आंदोलनों में उनका इस्तेमाल किया, पूरे देश के भीतर आपके कई फैंस हैं, और लाइव में उनका कमेंट आया अगर निगीदा वो उत्तराखंड वाला कख जाना उत्तराखंड आंदोलन मा, वो गीत अगर गुनगुना दे दो लाइन, तो गुजारिश आई है आपकी लाइव कमेंट में। अब ये असल में ये मुझे उसके लिए समय चाहिए, मैं कहीं ढूंढूंगा उस गीत को कहां पड़ा हुआ है, मेरे बहुत सारे दो लाइन संभव हो इतने याद रखने बड़े मुश्किल, सिर्फ दो लाइन जी जी, आप ही के फैन का लाइव में कमेंट आया, अगर संभव नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इस समय गीत नहीं है, मुझे ढूंढने में वक्त लगेगा, मुझे हटना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर पहले मेरी जानकारी में ये बात आ जाती तो मैं ढूंढ के रख देता उसे। बस हो सकता है कोई चाहने वाला आपका। 94 के गीत हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा उनको ढूंढने में, कहाँ पड़े हैं, कहाँ रखे हैं, वो यादों में सबके संजोए हुए हैं, इसलिए जो सुनता है आपको तो इसलिए जिद कर बैठता है कई बार, कोई हमारी तरह कोई जिद्दी फैन भी आपसे टकराता होगा तो बोलता होगा नहीं निगीदा पहले तो ये वाला हो जाए, और फिर वो नौ छवि नारायण ने तो पूरी दुनिया जीत ली थी। वो तो है, लेकिन वो मैं वही कर पाता हूँ जो मेरे पास उपलब्ध होता है। मैं 300-400-500 गीत लिख चुका हूँ, सारे गीतों को याद रखना मेरे लिए संभव नहीं। बिल्कुल जी निगीदा, मैं एक बात, क्योंकि ये नया गीत था। जी निगीदा, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि
आप एक और गीत में आपका सुन रहा था और लगभग वो 8 साल पुराना गीत था और उसमें ही आपने शायद जैसे भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी। उस वक्त आपने उस गीत में कहा था और उसमें एक नेता का करेक्टर था मैं देख रहा था और वो नेता कह रहा है कि पहले मैं अपनों को एडजस्ट करूंगा और फिर उसके बाद देखूंगा। हाँ वो 8 साल नहीं, वो लगभग 20 या 25 साल पुराना गीत है। 20-25 जिसे ये आंदोलनकारी उसका आंदोलनकारी उस गीत को बजा रहे थे। और उसी से मुझे लगा ये 20-25 साल पुराना गीत जो है अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में है और उसको बजा के लोग अपने आंदोलन चला रहे थे। फिर मैंने नया गीत ये जो अभी सुनाया वो नया गीत लिखा था। जी हाँ बिल्कुल। अगर निकिता वो वाली दो लाइनें आपको अगर याद हो, सिर्फ दो लाइन। शायद ऐसा था कुछ जी। नेता बने की देखो लूरे मारतानी आखिरे दो भूल माला पैरू लूरे मारतानी आखिरे दो तुम देख दी रया रे मारतानी आखिरे दो नेता बने की देखो लूरे मारतानी आखिरे दो मारतानी आखिरे दो ऐसा ही कुछ था। वो मुझे अभी पूरे शब्द उसके याद नहीं आ पा रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा मुझे। नेगीता एक पीड़ा हम लोगों के सबके जहन में है कि अब कम से कम यहाँ ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए, जो युवाओं का हक है उनको मिलना चाहिए और एक सीने में जलन है आंखों में तूफान सा भी है। तो मैं आपसे गुजारिश चाहता हूँ क्योंकि मैं इस बात को ना सिर्फ महसूस करता हूँ बल्कि मैंने देखा है कि नेगीता कुछ बोलते हैं तो पूरा उत्तराखंड सुनता है। तो मैं नेगीदा से गुजारिश करना चाहूंगा जो युवा इस वक्त सड़कों पर हैं, आक्रोशित है, गुस्से में है, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो। नहीं अब इनके आक्रोश को तो मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि वो आंदोलन करें, अपने हक हकों के लिए लड़ें और आंदोलन अहिंसक रूप से चलना चाहिए जैसे कि हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है। और इंसाफ जरूर होगा। ये अभी बहुत सारे जगह से ये भी मांग उठ रही है कि सीबीआई से इंक्वायरी कराएंगे क्योंकि एसटीएफ के कहीं सीमाएं हैं राज्य की। जो एसटीएफ जो इस केस में काम कर रही है उन्होंने हालांकि उन्होंने अभी तक का काम बहुत अच्छा किया है, सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आखिर बहुत से तार इसके जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी जी। वहां एसटीएफ कितना काम कर पाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन सीबीआई से जांच कराने की मांग लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। तो अगर मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएं तो लोगों के शक सुभा भी दूर हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि लोगों के और इनके आक्रोश को रोकने के लिए बेहतर यही होगा कि सीबीआई की जांच के लिए केंद्र से ही अनुरोध करें, सीबीआई से अनुरोध करें। नेगीदा लाइव में कमेंट आया है, कह रहे हैं कि पहले तो बोलते थे सब कि नेगीदा गाना ना गा, आज तो धामी सरकार नहीं बोल रही ना कि नेगीदा गाना मत गा, इस तरह की बात। वो उनकी तरफ से मैंने ही गाया था वो गाना भी जी, है ना। वो जब नौछमी नारायण पे लोग परेशान हो गए तो उसके बाद मैंने उन्हीं की तरफ से गीत गाया था कि नेगीदा ऐसे गीत मत लगाओ भाई जिससे हमको परेशानी होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि लाइव में इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज तो धामी सरकार नहीं बोल रही ना आपको कि नेगीदा गाना ना गा। और हम तो हमेशा कहते हैं कि नेगीदा हमेशा गाना गाओ, हमेशा गाना गाओ नेगीदा। और पूरा वो धामी जी अपने स्तर से काम तो कर ही रहे हैं, एसटीएफ की जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं कि 36 लोग जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन लोगों के अंदर विश्वास भी जगाना जरूरी है। अगर लोगों के अंदर ये विश्वास है कि ये एसटीएफ की इंक्वायरी में कुछ निकलेगा, अगर वो नहीं निकलता है तो लोगों में शक पैदा होगा, इसलिए उस शक को दूर करने के लिए
मेरे अपने हिसाब से ये जरूरी है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और उससे जिस भी लेवल का आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको सीबीआई जो है वहां तक जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा निगीता आपने कि ये आपने जो बात कही कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निगीता मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आपने जो वक्त हमें दिया उसके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे और जो हमारी यही कोशिश थी कि आपके माध्यम से कम एक संदेश जाए युवाओं को वो बहुत जरूरी था जी, जी, क्योंकि युवा हमेशा से आपको फॉलो करते हुए आए हैं और मैं और खास तौर पर लगातार लाइव में कमेंट्स आ रहे हैं और मैं भी एक गुजारिश एक फैन होने के नाते समझ लिए जिद कर रहा हूं मैं आपसे आज निगीता एक बार फिर से नौछवि नारायणा हो जाए चलते चलते। अब वो गीत भी वो समस्या वही है ना अब इतने पुराने गीत जो है वो मैं याद नहीं रखता एक, मैं ना एक, तो मुझसे याद होते होंगे तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि इतने गीत है या पहले से आप कहते तो मैं आप डायरी में यहाँ पे रखता मुझे बहुत टाइम लग जाएगा आपका समय बर्बाद होगा उससे। नहीं बस सिर्फ एक लाइन गुनगुना दीजिए बस जो जिद कर रहे हैं मेरे को इस बात का डर भी लग रहा था कहीं निगीता गुस्से में ना आए इस बात को बार बार जिद कर रहा है। नहीं नहीं इसमें गुस्से वाले क्या बात जब लिखे हैं तो गाना चाहिए लेकिन इस समय मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है और मैं अगर मुझे आप समय दें 2-3 मिनट तक का तो मैं फिर ढूंढूं उनको कि कहां पड़े हुए हैं। बस हमें इतना ही बोल दीजिए नौछवि नारायणा बस वही हमारे लिए काफी है। नौछवि नारायणा हाँ नौछवि नारायणा वो क्या गीत था मुझे इस समय क्योंकि बहुत सारी नई नए गीत दिमाग में आ जाते हैं फिर वो पुरानी रचनाएं आदमी भूल जाता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो तो पूरा उत्तराखंड नहीं भूला और भूलेगा भी नहीं कभी नहीं भूलेगा निगीता। निगीता थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया हम बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह नेगी जी उत्तराखंड सुरों के सरताज गीतों में नेताओं के लिए जो लिखते हैं वो संदेश पूरे उत्तराखंड के लिए होता है। उम्मीद करते हैं जो बात उन्होंने कही वो उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक संदेश बनकर सामने आए और ना सिर्फ उत्तराखंड के युवाओं के लिए बल्कि उन सरकारों के लिए भी जो हुक्मरान इस वक्त सत्ता को चला रहे हैं। नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।